फंसे माथे के ऊपर है। अल्लाह मेरे पास तो आइएगा। मैंने उसको टाइट कर दिया गेम रूम में जाके, तो मेरे को आई बोल दी समझा लो इनको, बहुत प्यार करती हूँ इनसे मैं, अगर अपनी प्यार है ना मैं छोड़ूंगी। बहुत प्यार करती हूँ अपनी प्यार अपनी प्यार। आप फारिस से ये सवाल करें, फारिस दो मोबाइल छिनवा चुका है, छिन गए कोई मसला नहीं, जान से बढ़कर नहीं, लेकिन आप इससे ये सवाल करें कि ये जो छीनते है ना उसके पीछे ये भागता है। हो गया क्या साइन? तो लॉक सेंड हो गया? हाँ हो गया। फिर क्यों जाग रही है? वो भी मेरी खत्म होने वाली, साथ साथ मूवी भी देख रही है। हाँ मूवी को भी तो टाइम देना है, नाराज हो जाएगी। पप्पू तो दे दो, पहले मुझे छोटे छोटे थे मम्मा न्यू यूनिफॉर्म पहना के अलमारी के पास खड़ा कर देती थी हूँ कि वहाँ से चले खींचती थी। पप्पू दे दो एक और। बाय बाय दिया तो तेरे हाथ पे 100 रुपये तो मेरे को 500 रुपये दिए। किसको? साड़ी से बैग से बैग दो मेरा, पकड़ो ये बैग पकड़ो, खुले हुए तो दूंगी वरना नहीं है मैं 100 रुपये। बंद करो बैग मेरा, अब जाओ लाइट बंद करो और दफा हो जाओ। बाय बाय लव यू, लाइट बंद कर दो। ज़ैनब उठ जाओ, चाय बन गई है, चाय बन गई, उठ जाओ नाश्ता कर लो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो आज का दिन न्यू व्लॉग के साथ, तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ज़ैनब आ जाओ ये लेकर चलो। आज मेरी ये कंडीशन है गाइस, और मुझे नहीं लगता कि आज मैं व्लॉग बना पाऊँगी क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब है, बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाह रहा मेरा, बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। अभी मुझे गेम शो के लिए भी जाना है और आज की सारी गेम्स मेरी, क्योंकि आज है मंडे। बस मैं जल्दी से ठीक है तो मुझे तो लग नहीं रहा क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं सुबह तक जाग रही होती सिर्फ व्लॉग्स की वजह से। ये दर्द कर रहा है इतना, गला खराब, नाक बंद, बहुत बुरा। ये वैसे तरीका वैसे वन टास्टिक है तुम्हारा, वन टास्टिक वाला हकीकतन बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा, कि तुम्हें बर्तन धोने होते तुम कहती हो किताब पकड़ो 9-11 हो जाओ, बाढ़ में जाए पूरा घर, पूरा जहान छोड़ के, इनके कल का दिन छोड़ के तुम्हें आज याद है कल तुम्हें तालीमी बाग और घर से बाहर जाना था। कल घूमने जा रहा था, आज याद करने बैठ गई। वाह तो जाहिर सी बात है, काम करना तो काम करने के टाइम पे पढ़ने ही तो बैठेगी। ये मम्मा से कल आवाज़ें सुनी है, अब मैं तैयारी पकड़ू बोल जाने की। सुबह छुट्टी हुई, सुबह इसको स्कूल भेजा, 8 बजे सोई हूँ मैं, फिर भी उठ गई कितने बजे, 12:30 बजे उठ गई, क्योंकि मम्मा सोते हुए देखती है, मम्मा को सुकून नहीं मिलता, मम्मा उठा देती है, लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं बिस्तर से नहीं उठी। फिर मासी आई थी वो काम कर रही है, और अब मैं बोल जाने की तैयारी पकड़ी। मेरा मस्कारा कितना पॉइंट पे लगा हुआ है यार, ये वाली आँख का हड्डी है। दूध हो फ्रेश हो जाऊँ। बाय अम्मा, बाय बाय, घर गंदा करके बाय बाय। क्या गंदा कर दिया उसके बाद? बाय बाय क्या गंदा किया? कपड़ों पे बंदा स्त्री भी कर लेता, मतलब नहीं इंतहा की कोई जाहिलाना। जा रही हूँ मैं, बोल गाइस फिर घर आके बनाऊंगी व्लॉग। तबीयत सही नहीं है आज मेरी, और लेंस भी नहीं लगाया मैंने, सिर्फ ब्लश ऑन पे गुजारा है पूरे मुंह पे। क्या हुआ अभी? डॉक्टर की स्पीच बना दी मैं, डॉक्टर की सैलरी। आज आपने ना नींद पे भी तवज्जो दी थी, बिल्कुल हिम्मत नहीं दी, तबीयत सही नहीं थी तो वैसे गोली खिला के तुम्हें मैंने भेजा तो इतनी तुमने हिम्मत भी करी, वरना तो शायद तुम गिर पड़ी होती। वही सोच रही थी कि गिर जाएगी, इसको बुखार चढ़ा हुआ था, इतना तेज गोली खा के निकली।
खैर फिर भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दे दिया मुझे। हम लोगों ने खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी खिचड़ी बनाई थी और आया थे मजे के गार्लिक ब्रेड बनाए थे आयत ने। आयत को नया शौक चढ़ा है अलमा बनने का। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, फारिस कहता है, आप लोग कह रहे हैं कि फारिस को मोबाइल दिलाएं, मोबाइल दिलाएं। कश्यप अपने भाई को एक मोबाइल नहीं दिला सकती, अपने भाई का ख्याल नहीं रख सकती, अपने छोटे बंदे का ख्याल नहीं रखती। कश्यप जितना अपने छोटे बंदे का ख्याल रखती है ना, शायद ही कोई रखता होगा अपने छोटे बंदे का ख्याल। इस बात का फारिस खुद आपको बताएगा कि मेरी बहन मेरा कितना ख्याल रखती है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, आप फारिस से ये सवाल करें, फारिस दो मोबाइल छिनवा चुका है, छिन गए, कोई मसला नहीं, जान से बढ़कर नहीं है। लेकिन आप इससे ये सवाल करें कि ये जो छीनते हैं ना, उसके पीछे ये भागता है, उनको देख कर आता है। हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ है चुड़ैल? और वो उनके पीछे जाता है, उनके पीछे जाके देखता है कि कहाँ गए। आप ये देखें, आप इस बात का इसको समझाएं, वो दो मोबाइल क्यों कर रही है? कश्यप ने दिए थे इसको दोनों मोबाइल। एक मेरा था अपना, बस बस बस, एक मेरा अपना था जो मामा ने, मामा से मैंने खरीदा था। क्या हो गया आपको? बस नहीं, हाँ वो मैंने जिब्रान मामा से खरीदा था ZTE, आज भी याद है मुझे। बस कर दो, तुमने कितने मोबाइल तोड़े और कितने मोबाइल? वो मैंने मामा से लिया था, अपने पैसे से जमा करके खरीद के लिया था मैंने। मोबाइल छिनवाए और तोड़े? यही, तुमने मुझे ZTE अभी तक कोई मोबाइल दिलाया? अब आप कमेंट्स, अभी कमेंट्स बॉक्स में, क्या आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि कश्यप को इसको मोबाइल दिलाना चाहिए या नहीं। आप लोगों के जैसे कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से कश्यप करेगी, क्योंकि ये मोबाइल अपने मोबाइल के पीछे जाता है और हम लोगों के लिए इसकी जान से बढ़ के कुछ भी नहीं, नहीं ना। लेकिन अभी आपने बोल दिया ना, वाला मोबाइल जाके नहीं, मैंने पैसे बोल दिया, सो बोल दिया, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने उस दिन देखा था, इसके पैरों में से खून निकल रहा था, इसके पैर के पास नदियां बह गई, नदियां बह गई। अच्छा ना, लेकिन अभी आपने बोला है कि वाला मोबाइल जाके बेचो और पैसे ऐड करो। और आपको ये बात भी बता दूं, आप लोगों ने कमेंट्स में बोला कि कश्यप चॉकलेट्स नहीं खिलाती, कश्यप अलग से अपने बहन भाइयों के लिए लाती है और अपना अलग से लाती है, जो कि इसको खाने का टाइम नहीं मिलता तो ये उठा के रख देती है कि ये मेरी चीज है, मेरा किसी वक्त दिल चाहे तो मैं तब खाऊंगी। लेकिन इस चीज का होता है कि उस बेचारी को मिल ही नहीं पाती। तो आप लोग जो कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं ना, आप लोगों को सारी सूरत हाल नहीं नजर आती, तो आप लोग गलत बात कर जाते हो कभी कभी। लेकिन कश्यप बहुत ख्याल रखती है। लेकिन हाँ ना, अभी मम्मा ने मुझे बोला है वाला मोबाइल जाके बेचो और मैं पैसे ऐड करके ले लो मोबाइल। तो अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ना सब लोग, फारिस को दिलाना चाहिए या नहीं। हाँ, वो तो यही बोलेंगे दिलाना चाहिए, देख लेना क्या बोलते हैं वो लोग। नहीं, आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप पीछे जाते हैं। आपको पता है हमारी नहीं भाई, मेरा हाथ नहीं मोड़ता एक तो यार। भाई मुझे ना मोबाइल चाहिए, अम्मा को समझा दे सबको मोबाइल चाहिए। अरे भाई अभी आप छोड़े एक तो फौरन, कल कहाँ जाना है? तो कल तो हम लोग जा रहे थे बाहर, वो उधर जा रहे थे हम लोग, तो उधर अच्छा है। मुझे भी दिलातों कपड़े आ जाएगा और शाम में तो बाप पहुंचेंगे। अच्छा, दो तीन पैंट दिला दो, कपड़े लेने दो पहले, वो परेशान। मेरे पास भी नहीं है कपड़े, बस कर दो उसको लेने दो पहले। आपने मेरी पैंटें भी ठीक नहीं कराई, वो गरम अम्मा को बना ले। रूठी हुई है, बैठो कैसे मनाओ मनाओ, नाराज है वो, शक्ल से पता नहीं चल रहा, देखो ये तो मैं नाराजगी नहीं दिख रही इनकी शक्ल में। क्या हुआ? अम्मा ने बोला मुझे मनाओ आकर। ये तो वही वाला सीन हो गया, पापा बोल रहे मैं घर पे नहीं हूँ। मनाओ ना, सैड नहीं, सैड मुंह फेर लिया ना तुमसे। नहीं, जाओ यही जाओ, अपने रूम में जाओ, सब रोई क्यों नहीं अभी तक, सब अपने अपने रूम में जाओ। लो अब आप बोल सकती है, पहले एक कमरे में बोल दी नहीं, अपने अपने रूम में जाओ। अल्लाह का शुक्र है, नियत साफ है, मंजिल आसान है। लेकिन मेरा तो अभी तक नहीं।
अम्मा की चप्पल तो देखो, यूं कर लो ताकि ये चप्पल यहाँ पड़े आके। हाथ पकड़ बहाने बहाने से हाथ पकड़ लिया ताकि मार पड़े, बीवी भी पिटवा दी। तो भी मुझे एक बात तो बताओ तुम, मुझे चप्पल की भैया चप्पल पकड़ के बात करें इनसे भी। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने मुझे शाम में बोला कि बाल कटवा दिए, इनको मैंने बुला लिया था। मैंने कहा वो डॉक्टर ने, कहाँ है बाल इसके, डॉक्टर कहाँ है बाल, ये रहे बाल, यहाँ क्या कर रही है, इसके बाल कहाँ है, तो फिर कटवा के कब आया ये? मैं बाल कटवाने जा रहा था, इसने बोला अभी बाल कटवाने नहीं जाए, डॉक्टर ने उड़ जाएगी, बस मैकेनिक के पास। अच्छा भाभी उठे, नगेट्स चलेंगे वहाँ, चले भाभी नगेट्स चले, उठे चले, काम करा करे, बैठी रहती है हर वक्त, उठे किसी काम को हाथ नहीं लगाती हूँ हमारे घर के। गुल्लो बोलो ना, गुल्लो तुम बताओ कितने काम करती हो। गुल्लो बोल, जो भला एक काम को हाथ लगाए ये औरत, हाँ दो ढाई बजे उठती है ये औरत, फिर शाम में सो जाती है, पर 9 बजे उठ के मुझे नाश्ता देती है, मुझे भेजती है। नहीं आज भाभी बुराई डे, फिर मैं उसको सुला देती हूँ, सुला सारे दो ढाई बजे उठते, ये उठ के इनका काम है सुबह सुबह सफाई करना, इनके लिए हमने मासी रखी हुई है, मार रही सब उठती 2 बजे, मैं उठता हूँ फिर सुबह जल्दी। 12 बजे जाते हो भाभी, ये 12 बजे जाते है ना, आयत सुबह स्कूल जाती है, स्कूल को भेजती हूँ मैं पहले उसको, फिर उसके बाद में क्या नाम है उसका, मैं उसको तो बाबा भेजता हूँ भाई, मैं उठाती हूँ, कौन नहीं नहीं मैं मामा मामा उठी होती है, मैं उठाती हूँ, और आपको पता है उसने बोला नहीं, तो अब नाश्ता कहाँ करती है, मैं भी नहीं करता था, करना है कोई अच्छा वहाँ से मदरसा पता चल जाए, एक आलमा का कोर्स कर रही है, यूट्यूबर बन रही है। और तुम? मैं ये ले अम्मा, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। अच्छा मिलेगा, दे 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 दे, अम्मा को मैंने दी चप्पल, लग रही है यार, तो लगने के लिए मार रही है मम्मा, ये ले, डॉक्टर ने क्या बोला भाई, जब उसने इतनी बड़ी लिस्ट बना के दी, उस डॉक्टर ने बोला था ना, मजाक कर रहा हूँ, मेरी झूठ नहीं बोलती, हाथ चूमो, हाथ चूमो, मारती है कमरे में जाती, वो तो मैंने भी देखा था, मुझे बाहर पकड़ के ऐसे खींचती है जोर से, ये भी देखा था, ऊपर आओ, गवाही दी, और वो आ गई बीमार औरत, अल्लाह इतनी बुरी बुरी तरह इसका उछल उछल के जा रही है, क्या बोलती है कि तू इतनी बुरी तरह चल, मासी क्या बोली थी, इनको मोहतरमा को इतनी जोर से छींक आई, निकली चली सारी नाक डोल, मासी बोल रही है बोलती बाजी, बोलती बहन थैली में पैक करके घर ले जा, कह रही है बाजी तो नहीं नहीं कबूतर तो खुले ही नहीं आए, कबूतर नहीं खुले भाई, दुआ ने छीका था, दुआ ने छीका था, सुबह किसी ने सूख दिया, हाँ भाई इतना सोरो, अच्छा आप भी कितनी गंदी हो तो, अल्लाह आप पे मुझे प्राउड है कि आपने फिर भी बहुत अच्छा खेल लिया है। दुआ क्या कहती, कहती है मेरे स्कूल की मॉनिटर आके मुझे कहती है कि तुम मेरे पास आके यहाँ बैठो, तो वो आप ही की फैन है, आप ही को बहुत पसंद करती है, तो कहती है तुम यहाँ आके बैठा करो, तुम डफर में बैठ रही हो और तुम डफर होती जा रही हो, तुम पढ़ने वाली टीचर्स कहती है ना पढ़ने वाली बच्ची है, लेकिन छुट्टियां करती है, आप ही की चक्कर में, देखो दूसरी तरफ भी लगा ले भाई, तुम आप ही की चक्कर में मेरा फायदा होता, लोग मेरे काम कंप्लीट कर देते, तू ब्लॉग में बस सब देख के बोलेगी, मेरी सारी बातें करिए लोगों ने, आप सब के बोलेगी मेरी बुराइयां करिए, यही बोलती अच्छा बात उन्होंने जवाब तो मुझे अभी भी आ रहा, लेकिन तुम मेरा मुंह तोड़ दोगी, मैं कुछ नहीं बोल रही, तो ये कम थी, ये कम थी, इनको जब मोबाइल चाहिए होता था ना, जब इनको मोबाइल चाहिए होता था ये क्या करती थी, पेन पकड़ती थी और मेरे हाथों पे मेहंदी लगाना शुरू कर देती है, मैं वहीं सो जाती थी, ये मोबाइल लेके 9-11 बजे थी। मम्मा मैंने बोला मैं 4 दिन नाराज थी, अब 1 हफ्ता नाराज रहूंगी, तुम ये बोल रही हो कि मम्मा से पूछ रही है स्कूल नहीं जाती है, तो कह रही है तो आपसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है,
क्यों आई मेरे पास ना, अब मेरे पास है, बोलती है आप एक बात बोलो, मैं बोला हाँ बोलो, यार भाभी इतनी चलाक और तेज है ना, मेरे को पता है कि मैं स्कूल नहीं गई, दम्बा के सामने आके पूछती है आया क्या हुआ उसको, स्कूल नहीं गई अच्छा हाँ बहुत दिमाग चलता है आपके साथ, मैं बता रही हूँ स्कूल जाते आज जिस दिन स्कूल जाती हूँ उस दिन आके एक दफा भी नहीं शायद तो स्कूल गई थी, जिस दिन मैं जाती हूँ उस दिन आके, और पता है बड़ी बात मम्मा के सामने पता भी नहीं गई घर में हूँ उठती हूँ मेरी मम्मा के सामने आया क्या हुआ आज तो मैं स्कूल नहीं गई, ताकि मम्मा को फिर तब चढ़े और मम्मा का बीपी आई हो जाए, और दरवाजे पे यही तो हुआ मैं चार दिन तक तुझसे बात आज मुझे बोल दी थी, फिर मम्मा की बात हंसती है मेरी को मम्मा की बात सुने कह रही थी चला के उसी दिन पूछेंगी जिस दिन नहीं जाती, और जिस दिन जाती उस दिन मैं सोचती हूँ उस दिन नहीं पूछ ली मुझसे, मैंने बोला यार कितना दिमाग चलाती है मजे से आई कहा चप्पल नहीं रखती अच्छा इसने सुन लिया अच्छा मम्मा क्या कह रही गुस्से में और मतलब चिड़ भी आती है लेकिन बाद में मैं हंस रही होती हूँ यार ये कैसे जवाब दे मम्मा कह रही है बाबा का है कह रही मैं तो पैदा हूँ किसके साथ आई है अरे सुन तो ले सुन तो ले मेरे कभी उधार कह रही मैं ब्रिज से पैदल आ रही तो तूने फोन क्यों लगा तेरी उन्होंने वो बाइक चला रहे थे मुझे दे दिया उसका उसको और बाइक भी उतारने दिया बेचारी सुबह सुबह मेरे पास आई खड़े रात में ना मैंने ना व्लॉग में बोला कि ना कि मैंने अगर व्लॉग में बोला मैंने आज को चूना लगाया सुबह सुबह मुझे आके उठा के बोलती है सच सच बताना मुझे कहाँ चूना लगा है सच सच बता कितने का था मेरा पराठा फिर मैंने बोला कि तेरे को मैं 180 वाला आलू का पराठा ला के दिया तेरे को उसमें चूना के रखा बोलती अल्लाह देख रहा है मैं तुम्हारा व्लॉग देख रही तो एकदम से स्कूल से आने के बाद ना मुझे देखने लगी कि मम्मा व्लॉग देख तो इसने व्लॉग में बोल दिया तो मैं बता रहा कि मैंने आयत का चुना मेरे पास आके खड़ी हो गई बोलती सच सच बताओ मैंने बोला हाँ बोलती मेरे पैसे तो बका मतलब तेरे को इतना महंगा पराठा डबल चीज पराठा बोलती है सही है अल्लाह देख रहा है मेरा अभी बोलती भी चली गई इसने वैसे चूना लगाया था उसको जबरदस्त वाला आलू चीज पराठा रख दिया मैंने उसको 80 रुपए का नहीं 60 रुपए का है जरा बात है सुनो आई थी पूछने जो आपका अच्छा ला के देना जरा नीचे से 110 आपके पास क्या आई थी 160 का अम्मा को कुछ कपड़ों का बोलने आई थी शायद अम्मा चिल्लाती है बैठी हुई आपकी पे अरे आप ही ने रुमाल मांगा था ना रुमाल मांगने आई थी इसके लिए मैंने बोला आया तुम कमरे की झाड़ू क्यों नहीं निकालनी तो मैंने तुम्हारा दफा छोड़ के बोली इनको समझ में नहीं आती मेरी झाड़ू तो इनसे बोला अच्छा रुमाल भी नहीं लगी मम्मा के पास क्या मसला नहीं बेटा वो अम्मा को भी कर जाती है गुस्से में छोटी है ना मैं जा रही थी सेंड कर देते ब्लॉग 7 बजे थे मैंने इसको बोला उठो स्कूल नहीं जाना क्या नहीं नहीं स्कूल नहीं जाना स्कूल की छुट्टी और झूठ बोल रही है मुझसे पिंडा उठ गई हूँ उठ के देखती रही अम्मा को देखती रही अभी अम्मा कुछ गए ना मार फिर आई मुझसे चुटिया वुटिया बनवाई मुझे भी यही बोलती है मैं जब उठाता हूँ तुमने दिए 100 रुपए इसने दिए और 100 रुपए रात में भी लिए 300 रुपए टोटल जमा करे ट्यूशन में ग्लू बेच कर रही चीजें बेच बेच के आ रही हूँ उसमें उन्होंने बोला मुझे हंसी इस बात पे आती जब बोलती ना जवाब तो मेरे मुंह में अभी भी आ रहा है मुझे भी यही जवाब देती बदतमीजी बोला था तू ये भी क्यों बोल रही है किचन में खड़े होकर बर्तन मतलब आटा अबे मुझे उसका सबसे अच्छा सीन ना बड़ा वो अच्छा लगता है मुझे अभी कुछ दिन पहले ना जाते हुए ना बेर का ना ठिया दिखा तो बोलती है मैं जब इस ठीक को देखती हूँ मुझे एक ही किस्सा याद आता है भाई ने मुझसे काम करवाया था और बाइक की स्पीड बढ़ा दी थी
मुझे बोलती है वो किस्सा मैं आज तक नहीं भूलूंगी। भाई ने मुझे बोला वो क्या कहते हैं वो खज्जी रखी हुई थी ठीक है, वो बाइक पे जा रहा था अपना पीछे लगा के हम लोग आ रहे थे नौ मुहर्रम को, तो मैं इससे बोला भाई खज्जिया जा रही है, मैंने हाँ उठा ले मैं बाइक हल्की कर दूंगा। इसने जैसे खज्जियों पे हाथ मारा मैंने स्पीड बढ़ा दी, आगे डंडा लगा था हाथ जोर से लगा मुट्ठी खुल गई सारी खज्जिया नीचे। और मुझे बोलती क्या मैं तो खज्जिया खाती भी नहीं हूँ। अरे सुनो तो सही, तीन दिन में बोलती मैं तो खज्जिया खाती नहीं, तुम लोगों का फायदा कर रही थी उल्टा मुझे नुकसान में डाल दी। मैंने बोला वाह बोला, मैंने मजाक में बोला था, तुम तो सीरियस हो गए टिक्का। मैंने ना वो वहां से आते हो ना भाई रख दी, मैंने अच्छा ये नहीं बोल ली कि पागल हो गए, मैंने बोला वो टिक्के बनने जाके सीख उठा के बोल ली पागल हाथ जल जाएगा मेरा। भाई ने जितना कुछ पूछा ना सब पे हाँ बोला इस बंदी ने, भाई बोलता है किसी चीज पे ना भी बोल दे बिरयानी में मुंह बन गया, बिरयानी सस्ती मिल रही थी ना बिरयानी, बोलती मुझे नहीं खानी आलू चीज पराठा दिलाओ मुझे, आलू चीज पराठे में शर्त रखी। हाँ तो मैंने क्या कहा था नहीं खाएगी, हम लोग वो खाने गए थे सी फूड, जब खाने गए थे तब भी बोलती कहती है जाते हुए आलू का पराठा खिलाओगी तो खाऊंगी। मैंने बोला भाई तू ये तो पहले खा ले शर्ट लगा के 1000 रुपए की तब भी आलू का पराठा। मां बीबी हम कल गए ना तो कह रही मैंने कहा देखो जो जो चीज पराठा मांगेगा तुम उसको दोगी, एक आलू का पराठा खिला दी उस पे भी शर्त लिखवा दी। वो बोला एक पीस मैं खाऊंगा, ये कह रही है सबको खिलाऊंगी। मैंने उल्टी हटा दी उसकी, हमने उसकी लड़ाई हुई। मुझे बोला आयत ने ये करा, मैंने आयत को जाके टाइट करा, उसके बोले मैं किचन में हंस रही हूँ, मैंने उसको टाइट कर दिया गेम रूम में जाके, तो मेरे को आई बोली समझा लो इनको बहुत प्यार करती हूँ इनसे मैं, अगर अपनी प्यार है ना मैं छोड़ूंगी वो वाला सीन बता भाई जो बफर जल में तुमने उसको मार दे तुम्हें धमकी दे रही थी, अरे रक्षी में भी धमकी दे रही थी, धमकियां बहुत देती है भाई ने उसको मार दे बोलती है मोहल्ला जमा कर लूंगी पिटवाऊंगी तो। अरे रक्षी में भी कह रही करण ऐसे जवाब ला दू, मैं सोचती हूँ कि मैं तो खड़ी भी पिटकर आ जाऊँ और ये तो चार पांच से मार के आ गए। अरे मेरे पास सुबह सुबह आगे खड़ी हो गई, बच्चे की तारीफ करी बुराई कर, मतलब मैं रक्षा में क्या कह रही थी, तीन लोगों रक्षा में क्या कह रही थी ये होते कौन है, मुझे दाम लगाने वाले ये होते कौन है भाभी रक्षा जी जानने में लगी। आप बोलिए मेरे को इतना गुस्सा आया तो मेरा क्या कर रही थी भाई लगी थी आप पे आने वाले चीख चीख के रोइए बाबा ने, आप पे आने वाले चीख मारी है उछल के सारे कमरे से बाहर। अच्छा तुम बेबी करो ये चीख मारेगी रहना भी ऊपर होगी तुम भी ऊपर होगी। वो बंदा नहीं कूदता पानी के अंदर एकदम बिल्डिंग पड़ती है। आप अब इसके मुंह पे छींकना फिर देखते कितना उड़ता है ये। तुमने खाने में क्या खाया? वापसी में कुछ नहीं खाया ना, लेकिन कितनी कमजोर हो गई। ढांचा हो गई मेरी खूबसूरत बेटी, सोचो जब खाएगी तो कितनी मोटी होगी। अभी तो कुछ खाती नहीं तमीज से बिल्कुल ये हो ना कौन बोला कमजोर बेटी मेरी खाती है कौन कहता है खाती है ना, तो उनकी आज तबीयत सही नहीं है ना, वरना वो तो सबसे ज्यादा पंखा खोल के सोती है। सो गाइस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है, मेरी भी तबीयत सेट नहीं है। मम्मा मुझे आपने कपड़ा फाड़ के नहीं दिया, वो खत्म हो गया, खत्म नहीं मैं धो धो के डालो सारे छोटे छोटे टुकड़े। अच्छा अभी नाक कपड़े भी धो धो के डालू मैं, एक तो अम्मा की बात है
तो गाइस अब मेरा सोने का टाइम हो गया और अब मैं सो रही हूँ इस व्लॉग को। आई होप कि आज आप लोगों ने बहुत मज़ा किया होगा, जबकि मेरा व्लॉग आज मैं पूरा दिन में मैं क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, एक्टिव नहीं थी घर में इधर उधर, और मैं गेम शो से आई तो बस मैं लेट गई थी अपने बेड पे। तो इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेगा और अपने व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट से बताएं कि नेक्स्ट व्लॉग जो है चैलेंज का, जो मेरा कश्यप विद फैमिली व्लॉग का जो चैनल है उस पर कौन सी चैलेंज वीडियो होनी चाहिए। और आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और हमारे साथ साथ आपने भी इन्जॉय किया होगा। आई लव यू ऑल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।